ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਉਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ 50 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਾ। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सूबा जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंदेर अते आईजी बॉर्डर रेंज की मीटिंग अमृतसर विच हुई, जिस विच पंजाब दे मुख मंत्री नाल होण वाली मीटिंग संबंधी विचार वटांदरा किया गया। आईजी बॉर्डर रेंज की मीटिंग तो बाद पत्रकार नाल गलबात करदिया सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि आईजी बॉर्डर रेंज नाल अज होण वाली पंजाब दे मुख मंत्री नाल मीटिंग संबंधी विचार वटांदरा किया गया। उन्होंने कहा कि जेकर मुख मंत्री नाल अज मीटिंग नहीं हुंदी तां मंगलवार नूं मीटिंग हो सकती है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार माल गड्डियां ना चलाउण ते पैसेंजर गड्डियां नूं नाल चलाउण लई जो किसानां नूं कह रही है वह सीधा सीधा किसानां नूं ब्लैकमेल कर रही है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि 30 किसान जथेबंदियां चाहे पैसेंजर गड्डियां चलाउण दी गल ते हामी भर चुकियां ने, लेकिन असीं उन्हां जथेबंदियां दे नाल आ, पर इस दे नाल ही असीं पंजाब दे लोकां दे नाल वी आ। असीं हमेशा सच दा साथ देवांगे चाहे सानूं कल्ले चलना पवे। अगे गल्लबात दौरान उन्होंने कहा कि इस तों पहले भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वल्लों इकल्या कई संघर्ष किए जा चुके ने अते उन्हां विचों उन्हां नूं जित मिली है। इस संघर्ष विच वी उन्हां नूं जित प्राप्त होवेगी क्योंकि वह सच दे राह ते चल रहे ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि वह 26 नवंबर नूं दिल्ली कूच करन दीआं तैयारियां कर रहे ने। अपना एक जत्था लै के दिल्ली जरूर जाऊंगे। अज फैसला कोई नहीं सीगा ना किसे इसलिए कम लई उन्होंने कहा सीगा कि असीं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदे आ ते असीं आपदा लगे दिल्ली वाले प्रोग्राम च साडे को थोड़ा समा हैगा सी क्या गल सुनाउणे आ। उन्हां दा सीगा वी कल क्योंकि पहले ऐलान कीती सी चीफ मिनिस्टर नाल मीटिंग साडी 23 नूं 2:30 बजे पंजाब भवन, तो उन्हां कहा सी तुहाडे कोल रिक्वेस्ट करनी सीगी वी कल शायद सानू होम मिनिस्टर नूं सीएम साहब मिल जा रहे आ, ते जे उधर चले गए ते असीं रिक्वेस्ट आ वी तुहाडी शायद अगले दिन मीटिंग होवे ते उहदी शामां नूं 7-8 बजे क्लीयर सापां कर देंगे। इस गल ते डिस्कस हुई है, चलो कोई नहीं सानू शामी 8 बजे तक चिट्ठी भेज के दस दौ कि जे सीएम साहब होम मिनिस्टर मिल जाते हैं दिल्ली तो फिर उस हिसाब से सानू कर दौ, जे कल ही है तो सानू उस हिसाब से कर दौ। आखिर मीटिंग नहीं सी कल ना हिस्सा सी ओदा जिहड़ा जथेबंदियां ने फैसला किया अपना आजादाना तौर पर जो मर्जी कर सकदियां उहदा हक आ। असीं अपने तौर पर जिहड़ियां माल गड्डियां वास्ते रस्ता खुल्लिया वा उहदे वास्ते कायम आ। जिहड़ियां गल्लां आईआं सीगीआं मीडिया 'च ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ 50 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ APMC ਤੇ ਜਾਂ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।